जिंदाबाद। जब जब युवा बोला है लाल सिंह सेठ बोला है, जब जब युवा बोला है लाल सिंह सेठ बोला है, जब जब युवा बोला है लाल सिंह सेठ बोला है। सीए चेक तो जिंदाबाद, सीए चेक तो जिंदाबाद, सीए चेक तो जिंदाबाद, सीए चेक तो जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार आप सभी साथियों को विदित है कि 84 दिन से अपन लगातार शहीद स्मारक पर जयपुर डटे हुए हैं और बार बार सरकार और तमाम अधिकारियों से वार्ता के बाद भी 84 दिन के अंदर हमारे धरने का, अपनी रणनीति का और अपने रिजल्ट अभी तक सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बार बार वार्ता होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट जॉब हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट ज्वाइनिंग कर ली, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो घर चले गए और आज भी शहीद स्मारक पे वो साथी कम से कम 500 के संख्या के अंदर आज भी शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। और साथियों, आपको पता है जिस दिन 31 मार्च 2022 के बाद में सरकार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उसके बाद से जो साथी यहाँ पे रुके हुए हैं उनको पता है अच्छे से कि अपन रोजी रोटी अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं और वो साथी आज भी डटे हुए हैं जिनको सच में नौकरी की परवाह है। जो साथी घर चले गए उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि साथियों, आप सभी साथियों की भविष्य के लिए, रोजी रोटी के लिए, मान सम्मान की लड़ाई के अंदर कल पूरे राजस्थान के तमाम साथी मिलकर 51 साथी शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर आप लोगों की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठेंगे। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए, इन साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार जो 84 दिन के अंदर अपने को दरकिनार करने की कोशिश की, वार्ता तक नहीं किया और वार्ता का अभी तक जो रिजल्ट नहीं दिया, उन तमाम सभी बातों को लेकर 51 साथी कल अनशन पे बैठेंगे। और साथियों, इसमें आप सभी साथियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। जब तक आप सभी साथी यहाँ पर नहीं आओगे, आप लोग इनका साथ नहीं दोगे, ये लड़ाई अधूरी है। जो भी साथी घर निकल गए और जो तमाम पदाधिकारी, चाहे वो किसी संगठन का हो, किसी यूनियन का हो,